आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 आ चुका है, और आप सभी देखते हैं कि इससे डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वनडे एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और जब आंसर राइटिंग करते हैं आप लोग तब भी आपको इसमें कई आंकड़े होते हैं जो आप आंसर में लिख सकते हैं या निबंध लिखते हैं उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं, बिल्कुल आप इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस किसी एग्जाम से, तब भी मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए जो भी इंडेक्स आते हैं। एक क्या रहता है कि इंडेक्स की वजह से आप लोग देश की स्थिति के बारे में पता कर लेते हैं। अब जीडीपी आंकड़ों की बात करिए तो जीडीपी का आंकड़े देख के आपको मालूम चल जाता है कि हम कितने देशों से पीछे हैं, हमारे देश की स्थिति कहाँ है। फिर चाहे आप लोकतंत्र की बात कर लीजिए जो लोकतंत्र का सूचकांक आता है, फिर चाहे हैप्पी इंडेक्स आता है या फिर मीडिया स्वतंत्रता का आता है, इन सबसे क्या रहता है कि एक अंदाजा लग जाता है। और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो एक तरह से अंधभक्त होते हैं, उनके लिए छोड़िए, क्योंकि उन्हें ना तो कांग्रेस के समय में और ना ही बीजेपी के समय में इनसे मतलब ही नहीं रहता है कि हमारे लोकतंत्र की स्थिति क्या हो रही है, हमारे यहाँ मीडिया की स्थिति क्या है, खुशी की स्थिति मतलब हैप्पी इंडेक्स की स्थिति क्या है, अभी आपने देखा है जीडीपी की स्थिति क्या है, इससे कोई उन्हें मतलब नहीं रहता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इन्हें लिख लीजिए, एक क्या किया करिए कि आप लोग एक चार्ट शीट बना लिया करिएगा, उस पर हर साल लिख लिया करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। हाल ही में आपने देखा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी की स्थिति का मापन करती है। आप लोगों को इसके शब्द से ही परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी, भुखमरी आप समझ रहे हैं मतलब किस देश में कितनी भुखमरी है, यानी कि भूख से मर रहे हैं लोग। एक तरह से आप सोचिए कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जो डाइट है जो होने चाहिए वो डाइट भी नहीं है उनके पास जिससे वो स्वस्थ रह सके, उसी की बात कर रहे हैं। ये हर साल निकाली जाती है, एक तो पॉइंट यही याद रखिए आप लोग। भारत की स्थिति की बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94 स्थान पर रहा है। कहने का मतलब है कि 107 देशों को लिया गया था, 107 देशों को शामिल किया गया इस इंडेक्स में और आपको 94वां स्थान मिला है। तो आप कहिए कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा अच्छी स्थिति में, हम लोग 107 में 94वें स्थान पे हैं। आप लोग वही हाल कि आपके क्लास में 107 लोग हैं, उसमें से आपकी परीक्षा का परिणाम आता है और आप 94वें स्थान पर रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग, क्या अच्छी स्थिति है आपकी? नहीं ना। तो वही हाल है। अगर 2019 की बात हम करें तो 117 देशों में से 102वें स्थान पर रहा था, जबकि वर्ष 2018 में ही 103वें स्थान पर रहा था। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका सुधार जरूर हुआ है। 2018 में आप 103वें स्थान पर थे, 2019 में आप लोग 102वें स्थान पर थे और 2020 में 94वें स्थान पर थे। इन कुछ पुराने आंकड़ों को भी आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि आपने देखा है कई बार पुराने आंकड़े भी पूछ लेता है। भारत भुखमरी सूचकांक में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में स्थित। कहाँ? गंभीर श्रेणी में। आप समझ रहे हैं गंभीर का मतलब, गंभीर बहुत स्थिति कोई सही नहीं है हमारी। देखिए यहाँ कोई मैं डरा नहीं रहा हूं या देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, इतनी मेरी औकात नहीं है कि देश की बुराई करूं अपने जिसकी मिट्टी में हम लोग पल रहे हैं, जहां रह रहे हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई होती है। देखिए देश का कोई इसमें दोष नहीं है, या हम कह रहे हैं आजादी के पहले के जो भी नेता रहे हैं उनका कोई दोष है इसमें, हमारे आने वाले 70 साल में जो भी नेता हुए हैं। अब सोचिए आप लोग कि 1947 के बाद से ही गरीबी हटाओ का नारा चल गया था और आज तक चलता आ रहा है, आपको दूर दूर तक गरीबी हटती नजर ही नहीं आई। तो ये तो इनका इनकी देन है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, जिन नेताओं को आप पूज रहे हैं। आज के नेताओं की उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए आप लोगों से कई बार बोला भी है, वो बायोग्राफी भी उन नेताओं की हम लोगों ने कवर की है पुराने नेताओं की, कि आप लोग कम से कम उनमें उनमें अंतर समझ सकें, इनकी तुलना उनसे मत कर लें लगना, वरना ऊपर वो बैठे होंगे तो कम से कम उनकी आत्मा भी झकझोरेगी उन्हें, समझ रहे हैं? कुल 107 देशों में से केवल 13 देश भारत से खराब स्थिति में, जिनमें आप देखेंगे रवांडा 97वें स्थान पर है, नाइजीरिया 98वें स्थान पर है, अफगानिस्तान 99वें स्थान पर है, लाइबेरिया 102वें स्थान पर है, मोजाम्बिक 103वें स्थान पर है, चाड 107वें स्थान पर है। तो चाड के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है, और एक अफगानिस्तान के बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि हमारा पड़ोसी है।
लेकिन मैंने हमेशा बोला है आप लोगों से कि हमें तुलना इन गरीब पिछड़े देशों से नहीं करनी है। अब आप कहें कि हमें पाकिस्तान से तुलना करनी है, या बांग्लादेश से तुलना करनी है, श्रीलंका से तुलना करनी है, इनसे तुलना नहीं करनी है। हमें करनी है किससे? अमेरिका, जापान, चाइना, तब हम कहिए। वही है कि आपकी क्लास में सबसे गधा इंसान है कोई, आप उससे अपनी तुलना करने लग जाए, ये तो गलत स्थिति है ना आपकी। तो यही हाल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के स्कोर के अनुसार तीन देश, चाड, तिमोर लेस्ते और मेडागास्कर भुखमरी की खतरनाक स्थिति पर स्तर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति मध्यम स्तर पर है। अच्छी नहीं है, आप सोचिए, मध्यम पर है। क्षेत्रीय परिदृश्य की बात करें तो भारत इस सूचकांक में श्रीलंका 64वें स्थान पर, नेपाल 73वें स्थान पर, पाकिस्तान 88वें स्थान पर, बांग्लादेश 75वें स्थान पर, इंडोनेशिया 70वें स्थान जैसे अन्य देशों से पीछे है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमसे अच्छी स्थिति में श्रीलंका है, अपना पड़ोसी जो देखते हैं आप लोग, देख लीजिए एक बार। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है आपका श्रीलंका, नहीं दिख रहा होगा, दिखेगा। ये है श्रीलंका, ये बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये है चाइना। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं। तो इसमें आप देखेंगे हमारी स्थिति, मतलब नेपाल हमसे ठीक स्थिति में 64वें स्थान पर है, माफ करिए, श्रीलंका 64वें स्थान पर, नेपाल 73वें स्थान पर है, पाकिस्तान आपका 88वें स्थान पर है। यानी कि जिस पाकिस्तान को देखते हैं आप लोग, वो भी हमारे हमसे बेहतर स्थिति में है। बांग्लादेश आपका 75वें स्थान पर है, इंडोनेशिया आपका 70वें स्थान पर है, और जैसे अन्य देशों से हम लोग पीछे, या आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चाइना आप देखेंगे ये है आपका 117 के अंदर है, और हमारे स्थान ये है कितना है हमारा, इंडिया का है 94वें। ठीक है, और अपने पड़ोसी देशों का भी याद रखिए आप लोग। प्रमुख संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन की बात करें अगर हम लोग, तो भारत की 14% आबादी अल्पपोषित है। कितनी? 14%। इसका निर्धारण अपर्याप्त कैलोरी लेने की मात्रा के आधार पर किया जाता है, कि जितने आपको कैलोरी की आवश्यकता होती है उससे कम है। भारत में बच्चों में स्टंटिंग की दर 37.4% दर्ज की गई। यह उम्र की तुलना में कम ऊंचाई को दर्शाता है। क्या? उम्र की तुलना में कम ऊंचाई को दर्शाता है, यानी कि आपकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन ऊंचाई आपकी नहीं बढ़ रही है। तथा यह स्थायी कोनिक कुपोषण को दर्शाता है। यह आमतौर पर गरीब सामाजिक आर्थिक स्थितियों और कमजोर मातृ स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा होता है। भारत में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है, जो अब 3.7% है। बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दर्शाता है, यानी कि वो अपना 5 वर्ष से जो कम आयु में ही मर जाते हैं उन्हीं को एक तरह से बाल मृत्यु दर कह देते हैं। वेस्टिंग में भारत की स्थिति गिरावट देखी गई है। भारत का स्कोर इसमें 17.3% रहा है। इसमें ऊंचाई की तुलना में कम वजन, कहने का मतलब है कि आपकी ऊंचाई तो बढ़ रही है, आप देखते हैं ना कि बच्चे मतलब ऊंचे, मतलब लंबाई तो उनकी बढ़ती है ऊंचाई, लेकिन आप देखेंगे वजन उनका कम रहता है। यह तीव्र एक्यूट कुपोषकों को दर्शाता है। तीव्र कुपोषण कुपोषण का सबसे चरम और दृश्य रूप है, जो शरीर के बाहर से दिखाई देता है। रिपोर्ट संबंधी अगर प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो स्टंटिंग मुख्यतः बच्चों के बीच केंद्रित है। गरीबी, आहार की विविधता का अभाव, मातृ शिक्षा का निम्न स्तर सहित कई प्रकार की वंचनाओं का होना इसका मुख्य कारण है। बहुत से देशों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है, जबकि कई देशों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। नवीनतम GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स अनुमानों से पता चलता है कि 37 देश वर्ष 2030 तक भुखमरी सतत विकास लक्ष्य 2 को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे। क्योंकि आपने देखा है 2030 तक जो आपके एक तो सतत विकास SDG जो आपके हैं, सतत विकास लक्ष्य 17 हैं, इन्हें आप लोग रट लीजिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, और आपकी जब आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी आपको हर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा हर साल कि जिसमें आपको डालने के लिए ना जरूरत पड़े। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रख लीजिए। फिर आप देखेंगे COVID-19 और महामारी का प्रभाव क्या रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 690 मिलियन लोग कुपोषित हैं। COVID-19 महामारी वैश्विक स्तर पर भुखमरी और गरीबी को कम करने की दिशा में हुई प्रगति को प्रभावित कर सकती है। कोविड 19 ने
19 ने इस बात को और अधिक स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान में हमारी खाद्य प्रणालियां जीरो हंगर स्थिति प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। इसने देखिए कोविड-19 ने बहुत कुछ उजागर कर दिया है। हमारे देश में भी तो आप देखते थे कि नेता बड़े फेंकते रहते थे कि मेरे पास इतना, हमारे पास इतना खाद्यान्न उपलब्ध है कि हम सालों खिला सकते हैं अपनी जनता को, हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी बेहतर हैं। लेकिन आपने देखा है कि सब कुछ उजागर हो गया, कुछ नहीं दिखा आप लोगों को। ठीक है, इसमें याद रखिए वही बच्चे रहते हैं। आप सोचिए भुखमरी किसके पास है अब, किसी नेता के पास? तो नेता के बच्चे तो भूख से नहीं मर रहे होंगे, इतना तो आप लोग भी जानते हैं। तो इसमें वही गरीबी जनता रहती है जिनका कोई नहीं है एक तरह से, तो उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की एक संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। इस एजेंसी को भी याद रखना है आपको। GHI इसको चार घटक संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है, यानी कि किसके आधार पर ही बनाया जाता है? अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, इन चार आधारों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाता है। इन चार संकेतकों के मूल्य के आधार पर 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी की को निर्धारित किया जाता है, जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है, भूख नहीं, यहाँ सबसे, आपका 0 कहने का मतलब सबसे बेहतर स्कोर में आप लोग स्थिति में, और 100 सबसे खराब है। प्रत्येक देश GHI स्कोर को निम्न से अत्यंत खतरनाक स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आप यहाँ देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स गंभीरता स्कोर, स्कोर कम लो ठीक स्थिति में, मध्यम 10 से 19.9 और गंभीर की बात करें तो 20 से 34, खतरनाक की अगर बात करें हम लोग तो 35 से 49.9 और बेहद चिंताजनक की बात करें तो 50 से ऊपर बेहद चिंताजनक आंकड़े रहते हैं। ठीक है, जिस स्कोर में जौन भी देश रहेगा उसी तरह से आप लगा सकते हैं, गंभीर में, हम गंभीर में, भारत गंभीर स्थिति में है। लास्ट में यही है कि GHI 2020 में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए मौजूदा कुपोषण स्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। याद रहे कि भारत ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लिए एक कार्य योजना विकसित की है। वर्तमान रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस योजना में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए। तो ये था आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को कुछ और इंडेक्स बता देता हूं आप लोगों को, इससे भी आप लोग अंदाजा लगाते रहिए, वो आपसे परीक्षा में पूछे तब भी डाल। इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हम लोग 48वें स्थान पर हैं। फिर आप देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें आप लोग 105वें स्थान पर हैं। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में आप लोग 116वें स्थान पर हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में आप लोग 89वें स्थान पर हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में हम लोग 3रे स्थान पर हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में हम लोग 43वें स्थान पर है, 43। फिर आप देखेंगे द्विवार्षिक जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आता है 2020, इसमें आप देखेंगे हमारी रैंकिंग 180 में, 180 देशों में 168वें स्थान पर है। कितने? 168वें स्थान पर है। फिर आप देखेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें हम लोग 74वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी कि मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग 142वें स्थान पर है। कितने? 142वें। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो हम लोग 120वें स्थान पर है। फिर आप देखेंगे हैप्पी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें आप लोग 144वें स्थान पर हैं। आप समझ सकते हैं कि 144 कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिए, ये भी आप लोगों को कई बार पूछ लेता है। लोकतंत्र सूचकांक की बात करें, जो आपके नेता कहते रहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो 51वें स्थान पर हैं हम लोग, समझ रहे हैं? तो ये हाल है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता कई बार। ठीक है,